आज यहाँ पे अब आपको ये देख के लग रहा होगा कि ये हम लोग किस चीज की चक्री चला रहे हैं और ये क्या घूम रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं भी इसको घुमाने के लगा हुआ हूँ, उधर मम्मी भी सेम ऐसे घुमाने के लगी हुई है, जबकि वहां दूसरे एंड पे दादाजी बस चेयर डाल के बैठे हैं और वो इसका बना रहे हैं प्रोग्राम। आज काम क्या चल रहा है ये एक्चुअल में, अभी बाजार से तो रस्सी आ नहीं सकती थी, अब यहाँ पे दादाजी का आ रहा है तजुर्बा काम, वो बना रहे हैं रस्सी। वो मैंने अपनी पोजीशन सिस्टर से रिप्लेस करवा दी है क्योंकि मुझे लग रही थी ज्यादा धूप, वहां पे मम्मी भी लगी हुई है काम में। लेकिन अब यहाँ पे देखिए जरा, ये देखिए ये रस्सी बनाने की कला, ये पीछे जो है ये रस्सी बनती जा रही है, आगे आप देखिए दोनों हाथों से मेहनत करने के लगे हुए हैं दादाजी। ये भी एक टाइप की टैलेंट ही होता है, हर किसी के बस का काम नहीं होता रस्सी बनाना। और ये हाथों से रस्सी बनाने के लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं कंटिन्यू रस्सी बनते हुए जा रही है। ये देखिए बिल्कुल फर्स्ट क्लास रस्सी बनती जा रही है, लेकिन ये पतली है इससे हमारे जानवर नहीं बांधे जा सकते, अभी इसको और मोटी करनी होगी। इसीलिए आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ सिस्टर बिल्कुल पास आ गई है जबकि मम्मी दूर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दादाजी किस फूल के साथ में लगे हुए हैं। बात के बता दो अभी क्या दादाजी को आ गया गुस्सा कि हम लोग तो केवल वीडियो की तरफ ध्यान लेने लग गए, लेकिन अब क्या इस रस्सी की तरफ पूरा कंसंट्रेशन चाहिए। उनका कहना है वीडियो में ध्यान मत दो, जिस टाइप से मैं कंसंट्रेट होके ये रस्सी बनाने में लगा हुआ हूँ आप लोग भी वैसे ही कीजिए काम, और ध्यान मोबाइल की बजाय रस्सी पे लगाइए वरना ये रस्सी सही बनेगी नहीं। चले दादाजी, ये बोल रहे थे क्या? अब क्या है कि ये बिल्कुल जब दादाजी पास आ गए तो इसको जल्दी जल्दी घुमाना पड़ता है, घुमाने के लिए ये हमने ये जुगाड़ बनाया हुआ है। क्यों आइए क्यों उन्हें मत खा ले, उन्हें मत खा ले, उन्हें पकड़ना। तो यहाँ पे मेरा अब काम होने वाला है कंप्लीट, फिर मेरी हो जाएगी छुट्टी ऐसा मैं मान रहा हूँ। बाकी दादाजी के प्रोग्राम में मुझे ऐसा लगता नहीं कि मेरी छुट्टी है, मेरी छुट्टी तो सबसे लास्ट में होने वाली है। अभी मुझे कोई ना कोई दूसरा काम सौंप दिया जाएगा। गांठ खोलो, यहाँ पे अब जब वो लकड़ी निकाल दी गई है तो इसको हाथ से बल देना पड़ रहा है, जो हम लोग घुमाते हैं इसको हम लोग बल देना बोलते हैं। यहाँ पे मैं इसके हाथ के बल देने की कोशिश कर रहा हूँ, अब एक्सपीरियंस नहीं है इसलिए केवल कोशिश ही की जा सकती है। दादाजी मेरे काम से खुश तो नहीं है लेकिन कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अभी जैसे मैंने बताया था कि मेरे को तो दूसरा काम मिलना तय था, अभी यहाँ पे दादाजी को लगा था कि मैं दूर काम नहीं कर रहा था, उन्होंने मेरी पोस्टिंग कर दी है बिल्कुल अपने पास। अब गुस्सा आना लाजमी है क्योंकि सबसे ज्यादा मेहनत उन्हीं को लग रही है, हम लोग तो केवल ले रहे हैं इसमें मजे, इसलिए उन्हें थोड़ा थोड़ा मेरे पे गुस्सा भी आ रहा है। पर अभी आप देखिए मेरी नजर बिल्कुल दादाजी की तरफ है, मेरा ध्यान है कि मैं भी ये वाला काम सीख ही जाऊं, कम से कम रस्सी का धंधा तो चला ही ले। लॉकडाउन में सब धंधे बंद हो रहे हैं, लोग फंदा लगाने के लिए तो रस्सी यूज करेंगे ही। अभी यहाँ पे सबसे मेहनती इंसान आ गया है काम करने के लिए, बाकी सब तो एक ही रस्सी को होल्ड कर रहे थे जबकि ये जनाब तो दोनों रस्सियों को होल्ड कर रहे हैं और खींच के चेक भी कर रहे हैं कि रस्सी मजबूत बनी कि नहीं बनी। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सारे हाथ हो गए हैं साथ में, यूं लग रहा है कि रस्सी है वो बनने वाली है।
अभी बिल्कुल सबसे एंड में सबसे ज्यादा मेहनत वाला काम आप देख सकते हैं, दादाजी कितनी मेहनत के साथ ये काम कर रहे हैं। लेकिन इस रस्सी की फाइनल स्टेप क्या होती है, इसकी टेस्टिंग अभी बाकी है, तो टेस्टिंग करने के लिए हमने ये पोर्च वाले खम्भे पे इसको बांधने का जिम्मा ले लिया है। आज दो चीजों की टेस्टिंग होने वाली है, एक तो वो खम्भा कितना मजबूत है, दूसरी रस्सी कितनी मजबूत है। अभी यहाँ पे फाइनल इंजीनियर साहब जिन्हें साइन करने हैं रिपोर्ट पे, टेस्टिंग रिपोर्ट पे, वो इसको खींच के ट्राई कर रहे हैं कि ये खींचता है कि नहीं खींचता है, बिल्कुल ओके। तो ना आप यहाँ देख सकते हैं खींचने कितनी ज्यादा मेहनत की जा रही है।